हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम अनाउंस होने के साथ जिस खिलाड़ी के नाम पर इंडियन क्रिकेट फैंस की नज़र सबसे पहले गई थी वो नाम था सरफराज खान का, क्योंकि बहुत वक्त से उनके टेस्ट कॉलअप का वेट किया जा रहा था। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं और शायद उनको उम्मीद थी कि इस बार उनको टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उन सबको निराशा हाथ लगी है। अब वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो इस दौरे पर सिलेक्शन के बहुत करीब थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टीम इंडिया में सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस बार भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर। इस वक्त टीम इंडिया को अगर देखें सो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ऑफ स्पिनर की भी कहीं ना कहीं जरूरत है। आप अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो वैरायटी चाहते हैं वो शायद वॉशिंगटन सुंदर के होने से आ सकती थी, लेकिन आपने 4-4 स्पिनर तो पिक किए लेकिन उसमें से कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है। और वॉशिंगटन सुंदर इसलिए भी क्योंकि इससे पहले वो टीम इंडिया के लिए रैकनिंग में थे, उनकी इंजरी एक ऐसी वजह कह सकते हैं आप जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, लेकिन अभी वो फिट हैं, TNPL के मैचेस खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली है। और ये इम्पॉर्टेंट सीरीजेज हैं, अगर आप उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं करते तो सडनली स्ट्रेट अवे आप वर्ल्ड कप की टीम में उनको कैसे और किस बेसिस पर कंसीडर कर लेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आप अपने टीम का कॉम्बिनेशन देखें जिसमें आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में मौजूद है, उसके साथ अगर आप देखें तो आपके पास कुलदीप यादव के रूप में स्पिनर मौजूद है और 4th स्पिनर आपने जो UG चहल को पिक किया है, क्या वो पिक होना बनते थे? क्योंकि अगर आप देखें पिछली सीरीजेस का रिकॉर्ड देखें जहां पर आपने यूजी चहल को बाहर बिठाना शुरू कर दिया था और शायद आप अपना लेग स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव को मान करके चल रहे थे, अब ये सिनारियो भी नहीं है कि आप कुलदीप और चहल को साथ में खिलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर चहल को किस केस में खिलाएंगे आप, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और अगर चहल को खिला नहीं सकते तो फिर चहल को 15-16 में रखने का भी कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा आप एक ऑफ स्पिनर रख लीजिए जिसको आप जरूरत पड़ने पर खिला सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ ये भी है कि वो अच्छी बल्लेबाजी भी करके दे सकते हैं, साथ में ऑफ स्पिनर हैं और आपके अटैक में कहीं ना कहीं एक वैरायटी ऐड करते हैं, सो उस तरह का खिलाड़ी आपके 11-15 में होना बहुत जरूरी है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इन टेस्ट टीम, वो लिमिटेड ओवर की टीम में है बट टेस्ट टीम में नहीं है। टेस्ट टीम में उनके सिलेक्शन को लेकर के चर्चा चल रही थी और आपको याद होगा कि एक वक्त रवि शास्त्री ने कहा था कि कुलदीप यादव ओवरसीज में हमारे नंबर 1 स्पिनर हैं, और कुलदीप यादव का सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में बनता भी इसलिए है कि आपकी जो स्पिन गेंदबाजी है ये इंडिया में तो बहुत कमाल की गेंदबाजी करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं सेना कंट्रीज में वहाँ पर आपके स्पिनर्स को सबसे बड़ा चैलेंज आता है जहाँ पर विकेट से उनको कोई मदद नहीं मिलती। सो ऐसे में आपकी टीम में एक लेग स्पिनर का होना बहुत जरूरी है जो उन विकेट्स पर बाउंस से विकेट निकाल सके, फ्लाइट में विकेट निकाल सके, ड्रिफ्ट में विकेट निकाल सके, जो स्पिन गेंदबाजी की जो स्किल्स होती हैं उसके थ्रू वो कहीं ना कहीं विकेट निकाल सके, बल्लेबाजों को फ्लाइट में डिसीव कर सके। उस तरह के गेंदबाज कुलदीप यादव हैं जिनको रेड बॉल क्रिकेट में जरूर देखा जाना चाहिए फॉर ओवरसीज टूर्स स्पेशली। इंडिया में जब आप खेलेंगे तो आपके लिए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा वो काम करके दे देंगे, आपको किसी तीसरे स्पिनर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप खेलने के लिए जाएंगे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तब आपके ये गेंदबाज उतने इफेक्टिव नहीं रहते उन कंडीशंस में, और उन दौरों के लिए आपको कुलदीप यादव की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब सवाल ये उठेगा कि 3 स्पिनर आपने ऑलरेडी चुने थे तो क्या आप ऐसे में 4th स्पिनर चुन सकते थे? 4th स्पिनर चुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें अक्षर पटेल ने ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में भी, लेकिन गेंदबाजी की बात करेंगे जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने गेंदबाजी की है वो उतनी अच्छी नहीं थी। और आप बात कर
रहे हैं इंडियन विकेट्स पर गेंदबाजी करने की। ओवरसीज जो हम सेना कंट्रीज में गेंदबाजी की बात कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से गेंदबाजी की थी। हालांकि यहां पर ये बात आएगी कि आप रेड बॉल और व्हाइट बॉल को कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल के साथ भी वो सेम चीज है जो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के साथ है। सो दो खिलाड़ी चूंकि आपके नंबर ऑफ विकेट उन्होंने ज्यादा लिए हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो उनको तो आप पिक करेंगे ही, लेकिन ओवरसीज जब बात आती है तो कहीं ना कहीं आप अक्षर पटेल को ड्रॉप कर सकते थे उस 15 से, और वहां पर आप कुलदीप यादव को सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके सेना कंट्रीज के टूर्स जब आप करेंगे, स्पेशली जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, सो उस वक्त आपके पास गेंदबाजी में ऑप्शन नहीं होगा। और अक्षर पटेल अभी एज ऑफ नाउ व्हाइट बॉल पे फोकस करें, जब वक्त आएगा तो शायद उनके लिए भी रेड बॉल क्रिकेट में ओवरसीज टूर्स पर भी वो दरवाजे खुलेंगे, लेकिन इंडिया में तो अभी उनको लगातार खेलने को मिल ही रहा है, उसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। सो ऐसे में कुलदीप यादव का सिलेक्शन अगर होता तो ये आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता था। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उसका नाम है अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह का वनडे क्रिकेट टीम में ना चुना जाना कहीं ना कहीं एक झटका उनके लिए जरूर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो भी शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम इंडिया की डिमांड जिस तरह की है, आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए। तो ऐसे में अर्शदीप सिंह ने पिछले 6 से 8 महीने में अपनी गेंदबाजी पर जो काम किया गया, शायद उनको ये मैसेज भी दिया गया होगा जब उनको एकमात्र ODI मैच खिलाया गया था, तो आपको अपने ODI गेम की गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है, जो उन्होंने किया। नई गेंद वो हमेशा अच्छी करते थे, आपने देखा U19 डेज से लेके इवन T20 क्रिकेट उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी गेंदबाजी की। नई गेंद से अगर बात की जाए, गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत है, दोनों तरफ गेंद को मूव करा सकते हैं, सो उन टर्म्स में देखें तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है। वनडे क्रिकेट में अगर आप उनके 1 से 10 ओवर के बीच की गेंदबाजी देखेंगे, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं अगर आप उनको नई गेंद देते हैं, कंसीडरिंग कि वनडे क्रिकेट में 2 नई गेंदें होती हैं। उसके बाद बात की जाए डेथ गेंदबाजी में, सो डेथ में उनके पास जो यॉर्कर्स हैं, जिस तरह से मिक्स करते हैं, सिचुएशन समझते हैं, और ये वो खिलाड़ी है जो हर मैच के साथ सीखता है और कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको दिखाता रहता है। चैलेंज उनके सामने जो बड़ा था फॉर वनडे क्रिकेट वो था कि आप 11 से 40 ओवर के बीच की गेंदबाजी कैसे करेंगे, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरह की अप्रोच और स्किल कहीं ना कहीं चाहिए थी। सो उस पर भी उन्होंने काम किया कि लेंथ बॉल को और बेहतर किया जाए, पेस को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, बाउंसर्स और इफेक्टिव की जाए, और आपने इस बार के IPL में देखा कि उन्होंने कितने सारे विकेट जो है वो बाउंसर से कहीं ना कहीं निकाले हैं। सो गेम के उस एस्पेक्ट पर उन्होंने काम किया था, उसको डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन मौका दे दिया गया जयदेव उनादकट को। शायद आप बहुत ज्यादा सेफ खेल गए, एक्सपीरियंस की तरफ चले गए कि आपने एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को चुन लिया, लेकिन युवा खिलाड़ी जो अपने आप को तैयार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, काउंटी क्रिकेट भी खेलने के लिए गया, सो वहां से भी एक एक्सपीरियंस उनको ओवरऑल गेम की अंडरस्टैंडिंग साथ में बेटर करने वाला जरूर मिलेगा। सो उनका सिलेक्शन भी ODI क्रिकेट में बनता था, और ये सीरीज़ थी जहां पर उनको आप ट्राई आउट कर सकते थे, क्योंकि आपके बाकी कुछ गेंदबाज अवेलेबल नहीं थे, 11 खेलने को मिलती खेलते, और आपको खास करके वेस्ट इंडीज के स्लो विकेट्स पर अगर दिखाते कि वो बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में भी, तो कहीं ना कहीं फिर आपके वर्ल्ड कप में वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अभिमन्यु ईश्वरन, वो खिलाड़ी जो पिछले 2 साल से टीम इंडिया के साथ लगातार घूम रहा है टूरिस्ट बनकर, क्योंकि मैच खेलने का मौका तो उसको मिला नहीं है, चाहे इंग्लैंड की बात करें जहां पर उनको एज अ ओपनर कंसीडर नहीं किया जा रहा था और रिप्लेसमेंट मांगे जा रहे थे, वहां से उस खिलाड़ी ने अपने गेम में जो ग्रोथ दिखाई है, जिस तरह से इंडिया ए के लिए उनको खेलने का मौका मिला बांग्लादेश में, वहां पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी, रणजी ट्रॉफी का सीजन लगभग 800 रन और जो पारियां उन्होंने खेली इस सीजन बहुत कमाल की थी, ओवरऑल बल्लेबाजी की भी बात करें तो उनके आंकड़े और रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है रणजी ट्रॉफी की अगर बात की जाएगी, रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाएगी, और ये वो खिलाड़ी है जो रेड बॉल क्रिकेट ही ज्यादा खेलता है और रेड बॉल क्रिकेट में इनको कंसीडर भी किया जाता है, तो स्पेशलिस्ट इन रेड बॉल क्रिकेट आप इनको कह सकते हैं, बावजूद इसके इनको एज अ ओपनर कंसीडर नहीं किया गया। ऋतुराज गायकवाड़ को कंसीडर कर लिया गया, जिनकी शायद IPL की परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी है, बट रेड बॉल में अगर दोनों खिलाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन ऋतुराज गायकवाड़ से काफी आगे जाते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो, करंट परफॉर्मेंस की बात हो, ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन का भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं
बनता था और जिस तरह से आपने 2 साल उनको घुमा करके ग्रूम किया था या सिर्फ घुमाने के लिए सेलेक्ट किया था कि उन्होंने इतने रन बनाए हैं तो इसलिए सेलेक्ट कर लो, टीम में रख लो कुछ दिन और थोड़े दिन के बाद आप ड्रॉप कर देंगे। सो कुछ उस तरह का अन्याय उनके साथ एक तरह से हुआ है जिनको जरूर सेलेक्ट किया जाना चाहिए था इन टेस्ट टीम फॉर रेड बॉल क्रिकेट। और दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो खिलाड़ी हैं वो हैं सरफराज खान, और हर इंडियन क्रिकेट फैन पूछ रहा है कि सरफराज खान कहाँ हैं। उनके सिलेक्शन की चर्चा सिर्फ अभी से नहीं हो रही, ये बांग्लादेश टूर से उनके सिलेक्शन की चर्चा हो रही है और उससे पहले से भी एक माहौल जरूर उनके बारे में बना था कि उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए और माहौल बनना भी चाहिए। जिस खिलाड़ी ने 80 के एवरेज से पिछले 3 साल में रन बनाए हों और लगातार वो 700, 800, 900 रन के सीजन दे रहा हो, सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे पहले किसी और खिलाड़ी ने ये काम करके नहीं दिखाया। जब इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आती है तो उस खिलाड़ी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बावजूद इसके सेलेक्टर्स ने उनको इग्नोर किया और हाल फिलहाल में जो वजह निकल करके आई हैं वो और ज्यादा चौंकाने वाली हैं। मुझे ये पर्सनली लगता है ये वजह जो बताई गई हैं ये अब उस पर खाना पूर्ति या लीपा पोती करने वाली वजह हैं। अगर यही वजह थी तो क्या आपने इन वजहों को सरफराज खान को कम्युनिकेट किया कि बॉस ये प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको कंसीडर करेंगे। अब वजह जो बताई गई है कि फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसमें उनकी बल्लेबाजी फिटनेस तो ठीक है बट अगर ओवरऑल फिटनेस की बात की जाए सो वो ठीक नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी फिटनेस नहीं है। लेकिन वो खिलाड़ी यो टेस्ट पास कर चुका है, आपका जो बेंचमार्क है उसको पास कर चुका है, तो फिर किस हिसाब से आप देखते हैं कि उनकी फिटनेस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। आप बात कर सकते हैं या फील्डिंग में कुछ लैप्सेस और सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप उस खिलाड़ी को कम्युनिकेट करिए कि बॉस ये प्रॉब्लम है, आपको ये ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक और चीज निकल करके आई कि जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उसके बाद फिंगर पॉइंट की थी चेतन शर्मा की तरफ, उसको इनडिसिप्लिन माना गया और ओवरऑल कुछ और इंसिडेंट्स भी हैं जिनको इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में डाला गया है। अब ये इनडिसिप्लिन की सजा आप किसी खिलाड़ी को कब तक देंगे? अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। रही बात इनडिसिप्लिन की, आपको उसको जरूर समझाना पड़ेगा। युवा खिलाड़ी हैं, कई बार ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो उनको जरूर समझाने की जरूरत है कि ये गलतियां नहीं करनी, क्या गलत है क्या सही है। सो उसमें कई बार थोड़ी सी फाइन लाइन होती है जो खिलाड़ी क्रॉस कर जाते हैं, सो वो इतनी ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है जहां पर उनको पनिश किया जाता रहे लगातार कि आपको टीम से बाहर ही रखा जाएगा। अब ये जो वजह आ रही हैं वो मुझे पर्सनली इसीलिए लगता है कि ये लॉजिकल वजह नहीं है, ये आप अब आपने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए आपको कुछ ना कुछ वजह तो देनी है क्योंकि आप उस क्रिटिसिज्म का सामना नहीं कर पा रहे और आपसे जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि सरफराज खान कहाँ हैं तो उसके जवाब में आपको कुछ ना कुछ तो कहना था, तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 5 खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन इस दौरे पर नहीं हो पाया, जो रेकनिंग में थे और शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको कॉल अप मिलेगा। आप इनमें से कौन से खिलाड़ी को देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा अनलकी रहा है, जिसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।